हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रगति मोर एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड योर स्टडीज़ आर गोइंग ऑन वेरी वेल। तो केंद्रीय विद्यालय के रिजल्ट जो है कि वो अनाउंस होने शुरू हो चुके हैं और KVS PRT वालों का भी अनाउंस होगा ही, और बहुत ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा बट जल्द ही होगा। और जल्द डिक्लेयर होने का मतलब है कि 10 दिन 15 दिन मेरे अनुमान से, और बाकी देखते हैं क्या होता है। मार्क्स तो आप सबसे मैंने शेयर किया ही था, और फिर भी देखिए, क्योंकि कई लोग उस पर कमेंट कर रहे थे कि स्टाइल मार रही है यार, 128 नंबर पे भला कौन स्टाइल मारेगा, या फिर शो ऑफ कर रही है यार इतने कम मार्क्स में। सीरियसली बता रही हूँ, जो लोग सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनको पता होगा कि OBC 128 मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है इसकी, इसमें कोई शो ऑफ करे, ये सब शो ऑफ करने की चीज़ नहीं। हाँ, अगर यही मार्क्स 140 के ऊपर होते तब मैं गट्स से कहती, या फिर मैं शो ऑफ उसमें कहती हो मेरे 140 हैं, मेरा नहीं हो रहा है, तब कोई बात भी होती। तो जब भी रिजल्ट आएगा केंद्रीय विद्यालय का, मेरा PRT का, मेरा हो या ना हो, मैं ज़रूर आप लोग से बताऊँ, क्योंकि अभी तक आप लोग लगातार देख रहे हैं। मैं कोई भी रिजल्ट मेरा निकलता है मैं ज़रूर बताती हूँ। एकाध शायद नहीं बताया होगा मैंने, क्योंकि सिलेक्शन हो तब तो बताया जाए। एकाध रिजल्ट इसलिए हो सकता है जब थोड़ा सा इंसान टेंशन में रहता है तो नहीं शेयर करता है, लेकिन मैं मोस्टली हर रिजल्ट अपना शेयर करती हूँ शुरू से ही। और धीरे 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 मेरी यूट्यूब की फैमिली ग्रो कर रही है बहुत धीरे, और खैर मुझे अच्छे से पता है कि YouTube से मुझे इनकम इतना आसान नहीं है मिलना, बट मुझे ये अच्छा लगता है कि मेरे साथ इतने सारे भाई बहन जुड़ रहे हैं, और इतने सारे का मतलब 50-100 के आसपास है मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। क्योंकि ना मैं उतने ज़्यादा दिखावे वाले पोस्ट डालती हूँ, या ज़बरदस्ती का लाइन याद कर करके डालती हूँ कि लोग उसको देखें और मुझे सब्सक्राइब करें। मैं मोस्टली रियलिटी ही डालती हूँ और अपने कंटेंट डालती हूँ। और हाँ, दो चार इधर उधर अगर कहीं से मिल गया, कहीं से देख लिया, कहीं से इंस्पायर हो गए, वो मैं डाल देती हूँ, बट मोस्टली मैं अपना खुद का डालती हूँ। और इसी बीच मेरा AEES PRT का भी एग्ज़ाम, मैंने फॉर्म भरा था तो उसका एग्ज़ाम है मेरा, 30 मार्च को है मेरा एग्ज़ाम, और मैं एग्ज़ाम नहीं छोड़ूंगी। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रगल हो जाता है, अब लखनऊ जाना होगा, प्लस बेटी बेटी भी रहती है तो उसको लेके फिर लखनऊ जाना है, वहाँ पेपर देंगे। और AEES PRT मैं इसलिए बस देना चाहती हूँ, AEES मतलब एटमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, तो इसके PRT के एग्ज़ाम मतलब 29 और 30 को होना है, तो मेरा 30 को है, और देखते हैं क्या होता है उसमें। सीट तो बहुत ज़्यादा कम है, बट होता है कि अभी केंद्र, जैसे कि अभी केंद्रीय विद्यालय का मैंने दिया तो थोड़ी तैयारी है, तो इसी बेसिस पे मैं जा रही हूँ वो वाला पेपर देने, और जैसा होगा मैं ज़रूर बताऊँगी कि मेरा पेपर कैसा हुआ। और बाकी वीडियो का री एग्ज़ाम भगवान जाने कब होगा, लेकिन ये कन्फर्म भगवान नहीं जानते हैं, वैसे तो आयोग ही जानती है। और ये मुझे उम्मीद है कि जून तक पेपर ज़रूर हो जाएगा, बिकॉज देखिए अभी इन लोगों ने ये जो दरोगा वाला है उसका भी डेट इन लोगों ने दे दिया है, तो ऐसी बात नहीं है पेपर होगा। हाँ, उसकी तैयारी करती रहनी है, और उसके बाद ये अपना UPPCS प्री, इस बार मैं सीरियसली पेपर देने वाली हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरा UPPCS प्री क्लियर होगा ताकि मैं मेंस जो है कि वो लिख पाऊँ। फिलहाल तब देखें, लेकिन अभी तक मैंने यही ठाना है, और मैं इसीलिए आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर जब आप ठानते हो कोई चीज़ तभी उसको हासिल भी करते हो, तो पहले ठान लीजिए और उसी के बिल्कुल स्ट्रेटजी पे, जो भी आपने अपना स्ट्रेटजी बनाया है उसी पे चलिए। मेरा थोड़ा सा डाइवर्शन हो जाता है क्योंकि मैरिड हूँ, प्लस काम रहता है, बेटी को भी देखना होता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको आड़े नहीं आने देती हूँ कि ज़बरदस्ती का ये सब दिखाया जाए। तो देखिए अभी से हूँ तो ये आ चुकी हैं यहाँ पे। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए, मिलती हूँ अगले वीडियो में, टिल देन स्टडी, बाय।